नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले इसमें आता है हमारा फेडरलिज्म। फर्स्ट इज हमारी कंट्री जो है इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है, और फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट नोन एज फेडरलिज्म। इसको जो है हम फेडरलिज्म जो है बोलते हैं, जहां पर कि हमारी एक से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है। अब ये एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? सेंटर, देन हमारी स्टेट, देन अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट भी है। अब जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। पंचायत जो है हमारी ये कहां पर वर्क करती है? पंचायत जो है हमारी दैट इज इन रूरल एरियाज विलेजेस में, म्यूनिसिपैलिटीज दैट इज इन अर्बन एरियाज जो कि हमारे सिटी आ गई उन एरियाज में जो है वर्क करती है। अब अलग अलग पावर्स देने का मतलब क्या है? सेंटर को अथॉरिटी है कि वो सेंटर में लॉ बना सकती है, स्टेट को अथॉरिटी दे रखी है वो स्टेट में लॉ बना सकती है। ये सारी की सारी चीजें हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। लोकल गवर्नमेंट को अथॉरिटी है कि वो अपने जो है पंचायत जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो है आगे जो है लॉ जो है बना सकती है। लाइक पंचायत जो है ये आपकी रूरल एरिया में बनाएगी, म्यूनिसिपैलिटीज जो है आपकी अर्बन एरिया में जो है बनाएगी। क्लियर हुआ? दिस इज नोन एज फेडरलिज्म। और जो ये लोकल गवर्नमेंट जो है हमारी ये कब आई थी? दैट वाज इन द ईयर 1992 लोकल गवर्नमेंट। आई होप दिस फेडरलिज्म कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट हमारा आता है इन्होंने वही चीज बताया है, थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर स्टेट लोकल, यही हमने करा है। और अभी मैंने आपको बताया था जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है कब आई थी, दैट इज इन द ईयर 1992। अब जो हमारा ये थ्री टायर सिस्टम है जो अभी हमने डिस्कस करा है, सेंटर स्टेट और लोकल, अब इसे जो है किस नाम से जाना जाता है? हमारे इंडिया में जो है थ्री टायर सिस्टम जो है फॉलो अप होता है, जहां पर सेंटर स्टेट और लोकल, और इसको क्या एक नाम दिया गया है? फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ का। क्लियर? आवर कंट्री हैज फेडरल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Another silent feature of our constitution is parliamentary form of government. अब parliamentary form of government क्या होता है? Second आता है parliamentary फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पर पहली चीज इसके अंडर हमारी आती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंडर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज
और फ्रेंचाइजी वन एंड द सेम थिंग. सफरेज होता है राइट टू वोट, जहां पर कि अधिकार है वोट डालने का विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन. रिलीजन, देन योर कास्ट, देन योर क्रीड एक्सेट्रा. अब वो क्या कह रहे हैं कि हमारी जो है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि कैसे फॉर्म होती है, जब 18 से प्लस लोग, जितने भी हमारे देश के सिटीजन है 18 इयर्स से अबव, वो जाके जब वोट डालते हैं तो हमारी जो है एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है. यानी कि वो गवर्नमेंट, वो जो रिप्रेजेंटेटिव हम चूज करते हैं 18 से अबव वोट डालने जाते हैं, और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है इलेक्ट करते हैं, वो सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पर जाके बैठते हैं, पार्लियामेंट में. सो हमारे यहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देखिए इन्होंने यही चीज बोली है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन. यानी कि उन 18 ईयर से अबव वाले लोगों की क्या एज है हमें कोई मतलब नहीं, उनकी क्या एजुकेशन है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है. क्या रेस है, कास्ट, मतलब गोरे हैं, काले, हमें जाति, इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है. सबको जो 18 से अबव होंगे वो वोट डालने जा सकते हैं, और वो जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं. दिस मीन्स पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. अब 18 से अबव जो वोट डालने जा रहे हैं, विच मीन्स वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली जो है इलेक्ट कर रहे हैं, किसके लिए, लोकसभा के लिए. और गवर्नमेंट हैज बीन मेड रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, जो हमारे लोअर हाउस है लोकसभा को. और क्या क्या बोला जाता है, लोअर हाउस, टेम्परेरी हाउस, हाउस ऑफ पीपल. यस करेक्ट प्रभात, फेडरल सिस्टम करेक्ट, हैविंग लोकसभा एंड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी करेक्ट, और सफरेज वन एंड द सेम थिंग. फेडरल सिस्टम मींस सेंटर, स्टेट एंड लोकल. प्रभात, नेक्स्ट हमारा आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स. सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होता है, इसमें हमारे तीन ऑर्गन्स जो हैं, समझते हैं अच्छे से इसको. थर्ड हमारा साइलेंट फीचर आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स. अब जो है हमारे गवर्नमेंट के जो है थ्री ऑर्गन्स है, पहला हमारा आता है लेजिस्लेटिव, दूसरा हमारा आता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा हमारा आता है जुडिशरी. इस चीज को ध्यान से समझना कि ये किस किस तरीके से जो है काम करते हैं, पावर्स को किस तरीके से अलग अलग. लेजिस्लेटिव मीन्स टू मेक लॉ, कानून बनाना. अब ये कानून बनता कहां पर है, दैट इज इन पार्लियामेंट. और ये कानून पार्लियामेंट में बनाता कौन है, लोकसभा एंड राज्यसभा. ये हो गया हमारा लेजिस्लेटिव. एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है इंप्लीमेंट करना.
इम्प्लीमेंटेशन। अब ये इम्प्लीमेंट कौन करता है? दैट इज प्रेसिडेंट। अब ये प्रेसिडेंट जो है ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं? ये हमारी साइनिंग अथॉरिटी होती है, साइन करते हैं और उसके बाद जो है साइन करने के बाद वो बिल जो है इम्प्लीमेंट हो जाता है, एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और जो है वो लागू हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है जुडिशरी। जुडिशरी जो है हमारी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है, यानी कि ये किसी के ऊपर भी जो है डिपेंड नहीं रहते हैं, किसी के ऊपर भी, यानी कि ये जो भी डिसीजंस लेंगे वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा उस अकॉर्डिंग, जो हमारे लॉज बने होंगे उस अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन लेंगे। और जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हमारे जो है लोअर कोर्ट्स, चाहे इसको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी बोल दीजिए। ये हो गया हमारा सुप्रीम कोर्ट, दिस इज हाई कोर्ट एंड दिस इज लोअर कोर्ट और ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। क्लियर? अब सुप्रीम कोर्ट को जो है किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी प्रेसिडेंट से पूछने की जरूरत नहीं है कि वो क्या डिसीजन ले। जिस भी पर्सन ने जो भी क्राइम, जो भी केस जो है चल रहा होगा उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि हमारा कानून क्या कह रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, उस अकॉर्डिंग जो है आंसर जो है दिया जाएगा। इन द सेम वे हाई कोर्ट भी सेम ऐसे ही करेगा और लोअर कोर्ट भी सेम ऐसे ही करेगा। इसीलिए हम जो है अपनी जुडिशरी को क्या बोलते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, इनकी डिपेंडेंसी नहीं है किसी के भी ऊपर, ना यहाँ पर लोकसभा मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट है, ना राज्यसभा, ना आपके प्राइम मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसको इंडिपेंडेंट कर रखा है। अब कानून जो है हमारा कैसे बनता है? लेजिस्लेटिव के अंडर हमारा कोई भी बिल है वो पहले लोकसभा में आएगा, लोकसभा से मेंबर्स जो है वोट डालेंगे, वोट डालने के बाद वो आगे कहाँ पर जाएगा? राज्यसभा। देन राज्यसभा के मेंबर्स जो है वोट डालेंगे, यहाँ से वो बिल पास होगा तो फिर वो जो है किन के पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट को अगर लगेगा कि ये बिल जो है आना चाहिए, ये हमारे देश में लागू होना चाहिए, फिर जो है वो उस बिल पर जो है वो आगे साइन करेंगे और वो बिल जो है क्या हो जाएगा? इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लागू हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज समझ आ रही है? यानी कि ये ऑर्गन्स जो हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर चेक भी रखते हैं। कैसे? एग्जीक्यूटिव जो है हमारा वो लेजिस्लेटिव के ऊपर चेक रखता है। कैसे? यहाँ पर अगर मान लो लोकसभा में और राज्यसभा में एक बिल है वो डिस्कस हुआ, वो बिल जो है डिस्कस होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो प्रेसिडेंट ने उस बिल को ऑलरेडी चेक कर लिया ना कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिस्कशन हो रही है, किस चीज के ऊपर डिस्कशन हो रही है, तो वो तभी साइन करेंगे जब उनको सही लगेगा। तो एग्जीक्यूटिव ने क्या करा? लेजिस्लेटिव पर चेक कर लिया। नेक्स्ट हमारा आता है कि जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव पे कैसे चेक करेगी। जुडिशरी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरप्रिटेशन काम। अब जो है जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर कैसे चेक करेगी? जुडिशरी ये चेक करेगी कि जो प्रेसिडेंट ने साइन करे हैं वो एज पर लॉ करेक्ट है या नहीं है, या हमारे कानून के अंदर वो चीज लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो चीज सही है या नहीं है, तो ये किसका काम होगा? दैट इज जुडिशरी का काम होगा ये चीज को चेक करना। क्लियर है? तो ये ऑर्गन जो है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के ऊपर चेक रखेगा, जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक रखेगी। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स, तीन ऑर्गन समझ में आए? जल्दी से थंबनेल शो कीजिए, जल्दी से ये फ्लो चार्ट जो है अगर आपको क्लियर हुआ थंबनेल, कोई डाउट किसी बच्चे का? ये वीडियोस ऑफ हैं, पायल, सक्षम कुमार, मकसूद, चलिए आगे करते हैं।
यहाँ पर यही इन्होंने बात करी है कि हमारी जो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये तीन ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, और हर ऑर्गन जो है, ईच ऑर्गन एक्ट एज ए चेक ऑन दी अनदर ऑर्गन, वो दूसरे ऑर्गन पे पूरा चेक रखता है ताकि बैलेंस बना रहे इन तीनों के बीच में। नेक्स्ट आता है हमारा अनदर फीचर नोन एज सेकुलरिज्म। चलिए इसको भी देखते हैं। फोर्थ आता है हमारा फोर्थ इज सेक्युलरिज्म। क्या होता है सेक्युलरिज्म, जरा हैंड रेज करना। वी हैव डन मेनी टाइम्स, व्हाट डज इट मीन, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? जल्दी हैंड रेज एवरीवन, व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सक्षम, हाँ जी बोलिए सक्षम। मैम, नो प्रेफरेंस टू सिंगल रिलीजन। ओके ओके, एनीवन एल्स, एनीवन एल्स? प्रभात, हाँ जी बोलिए, बोलो बेटा। बोलो बोलो प्रभात। वरदान रावत, वरदान। प्रभात, आई गेस सम नेटवर्क इश्यू, आपकी वॉइस नहीं आ रही। वरदान, व्हाट इज सेकुलरिज्म? रामजोत, व्हाट इज सेक्युलरिज्म? रामजोत, प्रभात, एनी स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन और फोर्स टू प्रैक्टिस इट। ओके, पायल इज ऑल्सो गिविंग आंसर, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। एंड डाउन कर लीजिए प्रभात। चलिए सेक्युलरिज्म, यस, सेपरेट ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट वेयर वी डजंट प्रमोट एनी वन रिलीजन, जहां पर जो है हम किसी एक रिलीजन को जो है प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हर रिलीजन की जो है, ऑल रिलीजन आर इक्वली रिस्पेक्टेड, हर रिलीजन की जो है हम इक्वल रिस्पेक्ट कर रहे हैं और इक्वल जो है उस पे बिलीव्स हैं। दैट इज नोन एज, दैट कंट्री इज नोन एज सेक्युलर स्टेट। फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारा सेक्युलर स्टेट है, जहां पर कि हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, देन हमारा आता है क्रिश्चियनिटी, देन हमारा आता है मुस्लिम एंड सो ऑन। यानी कि हर किसी को अपना अपना रिलीजन जो है ऑप्ट करने का पूरा राइट है, जहां पर एक पर्टिकुलर रिलीजन को जो है प्रमोट नहीं करा जाता। दैट स्टेट इज नोन एज अ सेकुलर स्टेट, जहां पर जहाँ की गवर्नमेंट जो है इक्वली रिस्पेक्ट करती है सब रिलीजन की और सब में इक्वली बिलीव करती है। क्लियर? दैट इज नोन एज सेक्युलरिज्म। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।